माई डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स एंड डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वंस अगेन आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, पिछली कुछ कक्षाओं से, पिछले कुछ वीडियोस के अंतर्गत हम सभी लोगों ने एजुकेशनल साइकोलॉजी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर को, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट यूनिट टॉपिक को स्टार्ट किया है, जिसका नाम है इंटेलिजेंस। और उसके अंतर्गत हम सभी लोग थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस की चर्चा कर रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस में हम सभी लोगों ने देखा था कि दो प्रकार की या दो समूहों में थ्योरीज को बांटा जा सकता है। एक है फैक्टोरियल थ्योरी, जो दूसरा है प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज। और फैक्टोरियल थ्योरीज में हम सभी लोगों ने, प्रिय विद्यार्थियों, मोनो फैक्टर, बाई फैक्टर, ग्रुप फैक्टर, मल्टीपल फैक्टर या फिर जो थ्री डायमेंशनल थ्योरीज है, इन सब के बारे में हम सभी लोगों ने बहुत ही विस्तृत रूप से चर्चा किया है। हम लोगों ने हायरार्किकल जो एक थ्योरीज है उसके बारे में भी चर्चा किया है। और उसी क्रम में, प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में, आज की कक्षा में हम सभी लोग फ्लूड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस थ्योरी, या जिसको हम लोग तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत कहते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे आज की क्लास में, इस वीडियो के अंतर्गत। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास को स्टार्ट के पूर्व, आप सभी प्रिय विद्यार्थियों में से और प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड जितने भी एजुकेशनल वीडियो चैनल पर पड़े हुए हैं उसको आप आसानी से देख पाएं। प्लेलिस्ट में जा करके या फिर चैनल के डिटेल्स में जा करके आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर आप अपने इंटरेस्ट और अपनी आवश्यकता के अनुसार ढेर सारे वीडियोज पड़े हैं, उसमें से आप अपनी आवश्यकता के अनुसार वीडियोज को ओपन करके आप देख सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल का आइकन है, घंटी का आकार बना है, प्रिय विद्यार्थियों, यदि उसका रंग लाल है व रेड है तो उसको प्रेस करिए। और उसको प्रेस करने पर कुछ विकल्प आएंगे, उन विकल्पों में से आप आल के ऑप्शन को सेलेक्ट करिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोज़ आएंगे उसकी नोटिफिकेशन, उसके इन्फॉर्मेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसके साथ साथ ही आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो पे कमेंट्स करिए, कमेंट्स के द्वारा आप अपने बहुमूल्य सुझाव या कोई प्रश्न या कोई समस्या हो तो उसको हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपके समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव आएंगे उन सुझावों पर अनुपालन करने का भी प्रयास करेंगे। और साथ साथ, प्रिय विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने सहपाठियों के साथ, मित्रों के साथ शेयर करिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, उनका भी कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम सभी लोग बुद्धि का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरीज है, जिसका नाम है तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत, या जिसको हम लोग इंग्लिश में फ्लूड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस थ्योरी कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, फ्लूड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस थ्योरी या तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत के बारे में हम सभी लोग आज की क्लास में चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास के पहले हम सभी लोगों ने बुद्धि के ढेर सारे फैक्टोरियल थ्योरीज के बारे में चर्चा कर चुके हैं, जिसमें हम सभी लोगों ने
बाई फैक्टर, मोनो फैक्टर या फिर ग्रुप फैक्टर, मल्टीपल फैक्टर थ्योरीज के बारे में भी चर्चा हम लोगों ने किया था, थ्री डायमेंशनल थ्योरीज के बारे में भी चर्चा किया था और हायरार्किकल थ्योरी के बारे में भी चर्चा किया था। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो आज का यह सिद्धांत है तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत या फ्लूड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस थ्योरी, यह जो स्पीयरमैन का सामान्य बुद्धि का सिद्धांत था, प्रिय विद्यार्थियों जो स्पीयरमैन का प्रत्यय था, जो उन्होंने जी फैक्टर, जो उन्होंने टू फैक्टर में जी फैक्टर यस फैक्टर थ्योरी दिया था, उसी से रिलेटेड, उसी के आगे जो है यह तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, बुद्ध के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए आर बी कैटल ने सन 1941 में स्पीयरमैन के सामान्य बुद्धि के संप्रत्यय में परिमार्जन करते हुए दो प्रकार की संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव एबिलिटीज पर आधारित बुद्ध के एक नवीन सिद्धांत को प्रस्तुत किया या प्रतिपादित किया। तो ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, जो तरल ठोस बुद्ध सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? इसका प्रतिपादन आरबी कैटल जी के द्वारा किया गया है। और उन्होंने जो स्पीयरमैन का हम लोगों ने बाई फैक्टर थ्योरी या टू फैक्टर थ्योरी पढ़ा था, उसी में स्पीयरमैन का जो सामान्य बुद्धि या जो जी फैक्टर था, जनरल इंटेलिजेंस था, उसी के कंसेप्ट में उन्होंने क्या किया, मॉडिफिकेशन किया, उसका परिमार्जन किया और परिमार्जन करने के फलस्वरूप उन्होंने दो प्रकार की कॉग्निटिव एबिलिटीज या कॉग्निटिव या संज्ञानात्मक योग्यता या संज्ञानात्मक क्षमताओं के बारे में चर्चा किया और उसी पर आधारित उन्होंने एक नवीन सिद्धांत या न्यू थ्योरीज का प्रतिपादन किया, जिस थ्योरी को हम सभी लोग, प्रिय विद्यार्थियों, क्या कहते हैं, जिसको हम लोग तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत या फ्लूड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस थ्योरी कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, कैटल साहब ने जो अपना सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उन्होंने अपने सिद्धांत में दो महत्वपूर्ण तत्व बताए, दो एलिमेंट्स बताए, दो प्रकार की बुद्धि बताई, दो प्रकार की एबिलिटीज बताई। प्रिय विद्यार्थियों, वो कौन सी थी? द फर्स्ट वन इज फ्लूड इंटेलिजेंस, या जिसको हम लोग तरल बुद्धि कहते हैं, और प्रिय विद्यार्थियों द सेकेंड वन इज ठोस बुद्धि या क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस तरह से जो कैटल साहब का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत में उन्होंने दो प्रकार की बुद्धि बताई है। फर्स्ट वन इज फ्लूड इंटेलिजेंस या तरल बुद्धि, सेकेंड वन इज ठोस बुद्धि या क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग कंपेरेटिव देखेंगे कि जो ठोस बुद्धि है और जो तरल बुद्धि है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, तरल बुद्धि तथा ठोस बुद्धि का तुलनात्मक अध्ययन, हम सभी लोग जो ये तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि जो सिद्धांत है कैटल साहब का, इसकी स्टडी हम सभी लोग, जो दो प्रकार की बुद्धि है, दैट इज क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस एंड फ्लूड इंटेलिजेंस, इसकी कंपेरेटिव स्टडी करते हुए इस सिद्धांत के बारे में हम सभी लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, तरल बुद्धि दैट इज फ्लूड इंटेलिजेंस और ठोस बुद्धि दैट इज क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, तो दो प्रकार की बुद्धि कैटल साहब के अनुसार है। पहला क्या है प्रिय विद्यार्थियों? पहला है तरल बुद्धि या जिसको हम लोग फ्लूड इंटेलिजेंस कह सकते हैं, और सेकेंड वन इज ठोस बुद्धि या क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। अब चलिए इनकी विशेषताओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं जल्दी से, कि तरल बुद्धि या फ्लूड इंटेलिजेंस की क्या विशेषताएं हैं और ठोस बुद्धि या क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस की क्या विशेषताएं हैं। प्रिय विद्यार्थियों, फर्स्ट ऑफ ऑल इन फ्लूड इंटेलिजेंस या तरल बुद्धि के बारे में चर्चा की जाए, तो तरल बुद्धि को तर्क के आधार पर नवीन समस्याओं को हल करने की योग्यता के रूप में परिकल्पित किया जाता है। तो ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारा फ्लूड इंटेलिजेंस है या जिसको हम लोग सरल भाषा में तरल बुद्धि कह रहे हैं, तो तरल बुद्धि जो है तर्क के आधार पर नवीन समस्याओं को हल करने की योग्यता के रूप में परिकल्पित किया जाता है। अर्थात जो रीजनिंग एबिलिटी होती है या किसी प्रॉब्लम्स को, किसी नोवेल प्रॉब्लम या किसी नवीन समस्या को हल करने की जो एबिलिटीज होती है, जो योग्यता होती है, जो क्षमता होती है, या जो रीजनिंग एबिलिटी होती है, उसी रीजनिंग एबिलिटी को हम सभी लोग साधारण भाषा में तरल बुद्धि या फ्लूड इंटेलिजेंस कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से फ्लूड इंटेलिजेंस क्या है? तरल बुद्धि को तर्क के आधार पर नवीन समस्याओं को हल करने की योग्यता के रूप में परिकल्पित किया जाता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यदि हम लोग ठोस बुद्धि की बात करें, तो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस या जो ठोस बुद्धि है, ठोस बुद्धि को शिक्षा, प्रशिक्षण व अनुभव पर आधारित ज्ञान आधारित योग्यता के रूप में परिकल्पित किया गया है। तो ध्यान दीजिए,
जो हमारा तरल बुद्धि था उसमें क्या बात आई, रीजनिंग की बात आई, नवीन समस्याओं को हल करने की योग्यता की बात आई, जबकि जो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस है या जो ठोस बुद्धि है, ध्यान दीजिए ठोस बुद्धि में एजुकेशन की बात की जा रही है, ट्रेनिंग की बात की जा रही है या एक्सपीरियंस की बात की जा रही है। जो ठोस बुद्धि या क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस है वो एजुकेशन या शिक्षा के द्वारा, ट्रेनिंग या प्रशिक्षण के द्वारा या अनुभव या एक्सपीरियंस के द्वारा जो है इसमें बढ़ोतरी होती है, इसका विकास होता है। तो इसीलिए प्रिय विद्यार्थियों, जो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस है या जो ठोस बुद्धि है, ठोस बुद्धि को शिक्षा प्रशिक्षण व अनुभव पर आधारित ज्ञान आधारित योग्यता के रूप में परिकल्पित किया गया है। साधारण भाषा में कहा जाए तो एजुकेशन के द्वारा या ट्रेनिंग के द्वारा या एक्सपीरियंस के द्वारा जो हमारा हमारे बुद्धि में विकास होता है या बुद्धि में डेवलपमेंट होता है या जिस प्रकार की बुद्धि का विकास होता है उस प्रकार की बुद्धि को क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस या ठोस बुद्धि कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह तो रहा फर्स्ट पॉइंट, प्रथम बिंदु रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज, सेकंड पॉइंट है कि तरल बुद्धि का निर्धारण वंशानुगत कारकों द्वारा तथा होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, जो तरल बुद्धि है, तरल बुद्धि का निर्धारण जो है किससे होता है, जेनेटिक फैक्टर्स के द्वारा होता है। तो ध्यान दीजिए, तरल बुद्धि का निर्धारण जेनेटिक फैक्टर्स के द्वारा होता है, जबकि प्रिय विद्यार्थियों जो हमारा ठोस बुद्धि है, ठोस बुद्धि का निर्धारण व्यक्ति के पर्यावरणीय कारकों द्वारा होता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट निकल कर आया है वो क्या है कि जो फ्लूड इंटेलिजेंस है या तरल बुद्धि है उसका जो डिटर्मिनेशन होता है, उसका जो निर्धारण होता है वंशानुगत कारकों या जेनेटिक फैक्टर्स द्वारा होता है। तो साधारण भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि जो तरल बुद्धि का विकास है या तरल बुद्धि का डेवलपमेंट है, फ्लूड इंटेलिजेंस का जो विकास है, उसमें कहीं ना कहीं वंशानुक्रम का, हेरिडिटी का या जेनेटिक फैक्टर्स का योगदान होता है। हमें अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी या हमारे जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके द्वारा हमारे अंदर तरल बुद्धि या फ्लूड इंटेलिजेंस का विकास होता है, अर्थात वहां से हमको प्राप्त होता है। वंशानुगत कारकों के द्वारा तरल बुद्धि प्रभावित होती है या उसका निर्धारण होता है। जबकि प्रिय विद्यार्थियों, यदि क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस या ठोस बुद्धि की बात की जाए तो ठोस बुद्धि का निर्धारण पर्यावरणीय कारकों या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के द्वारा होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम सभी लोगों ने जब इंटेलिजेंस थ्योरी को स्टार्ट किया था उसके पूर्व की कक्षा में, आपके पास इससे रिलेटेड वीडियोज भी है, हम सभी लोगों ने नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी की चर्चा बहुत ही विस्तृत रूप से किया है। तो नेचर नर्चर में हमने यही देखा था कि जो लोग कह रहे हैं कि बुद्धि के विकास में नेचर या प्रकृति का योगदान है, उन लोगों ने कहा था कि जो बुद्धि है वो जेनेटिक फैक्टर्स या वंशानुगत कारकों द्वारा प्रभावित होती है, निर्धारित होती है। जबकि जो लोग नर्चर की बात कर रहे थे, पोषण की बात कर रहे थे, तो उन लोगों ने कहा था कि बुद्धि के विकास में इन्वायरमेंटल फैक्टर या पर्यावरणीय कारकों का योगदान होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को याद होगा नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी के बारे में। तो जो नेचर की बात है, वो नेचर की बात आती है फ्लूड इंटेलिजेंस में, जहां कहा जा रहा है कि तरल बुद्धि या फ्लूड इंटेलिजेंस का निर्धारण वंशानुगत कारकों द्वारा होता है। जबकि हम लोगों ने जो नर्चर की बात किया था, पोषण की बात किया था, तो जो नर्चर या पोषण की बात है वो ठोस बुद्धि में आ रहा है, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस में आ रहा है, जहां पर कहा जा रहा है कि ठोस बुद्धि का निर्धारण इन्वायरमेंटल फैक्टर्स या पर्यावरणीय कारकों द्वारा होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह तो रहा सेकंड पॉइंट, जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि फ्लूड इंटेलिजेंस या तरल बुद्धि का निर्धारण वंशानुगत कारकों द्वारा होता है, जबकि ठोस बुद्धि या क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस का निर्धारण इन्वायरमेंटल फैक्टर्स या पर्यावरणीय कारकों द्वारा होता है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला जो थर्ड पॉइंट है, यह है कि फ्लूड इंटेलिजेंस या तरल बुद्धि जो होती है वह प्रौढ़ावस्था में उम्र के साथ घटती है। ध्यान दीजिए, तरल बुद्धि या फ्लूड इंटेलिजेंस जो है उम्र बढ़ने के साथ साथ घटती जाती है, अर्थात तरल बुद्धि के ऊपर, फ्लूड इंटेलिजेंस के ऊपर उम्र का, आयु का, एज का प्रभाव पड़ता है। जबकि प्रिय विद्यार्थियों, इसके जस्ट अपोजिट है जो ठोस बुद्धि है या क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस है, उसके ऊपर आयु या उम्र या एज का कोई भी प्रभाव
नहीं पढ़ता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो तीसरा पॉइंट रहा, बहुत ही स्पष्ट रहा कि जो तरल बुद्धि है वो जो है उम्र के साथ घटती जाती है, अर्थात जैसे जैसे व्यक्ति वृद्ध होता है, प्रौढ़ होता जाता है, उसकी तरल बुद्धि या फ्लूइड इंटेलिजेंस घटती जाती है, जबकि जो ठोस बुद्धि की बात आती है वो आयु या उम्र के साथ उसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात वो आयु या उम्र से प्रभावित नहीं होती है। चल दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने तीन बिंदुओं के पर, तीन पॉइंट्स पे दोनों के बीच में कंपेरेटिव स्टडी कर लिया है। आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, द फोर्थ वन, चौथा पॉइंट है कि तरल बुद्धि स्पीयरमैन के जी फैक्टर के समान होती है तथा इसमें मुख्यतः तर्क शक्ति निहित रहती है। ध्यान दीजिए, हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही चर्चा किया था कि कैटल साहब ने जो अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया वो स्पीयरमैन के जो जी फैक्टर था, जी कारक था, सामान्य बुद्धि थी, उसी को और आगे बढ़ाया, उसी में मॉडिफिकेशन किया। तो यहाँ पे जो मॉडिफिकेशन है प्रिय विद्यार्थियों वह स्पष्ट हो रहा है कि तरल बुद्धि जो है स्पीयरमैन के जी फैक्टर के समान होती है और जो जी फैक्टर है इसमें मुख्यतः तर्क शक्ति निहित होता है, अर्थात जो रीजनिंग एबिलिटी है, जो तर्क करने की शक्ति है प्रिय विद्यार्थियों वह तरल बुद्धि में निहित होती है। और जो तरल बुद्धि या फ्लूइड इंटेलिजेंस है यह क्या है, तरल बुद्धि या फ्लूइड इंटेलिजेंस स्पीयरमैन के जी फैक्टर या जी कारक या सामान बुद्धि के समान होती है, जबकि प्रिय विद्यार्थियों यदि ठोस बुद्धि की बात की जाए तो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस जो है या ठोस बुद्धि जो है, ठोस बुद्धि में उन क्षमताओं को रखा जाता है जिन्हें व्यक्ति अपनी तरल बुद्धि का उपयोग करके अर्जित करता है। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बिंदु निकल के आ रही है कि जो ठोस बुद्धि है, ठोस बुद्धि जो है तरल बुद्धि का उपयोग करके अर्जित किया जाता है। ठोस बुद्धि के अंतर्गत वे एबिलिटीज आती हैं, वे योग्यताएं या क्षमताएं आती हैं जिसका हम अर्जन करते हैं। कैसे अर्जन करते हैं, बाय एजुकेशन, बाय ट्रेनिंग और बाय एक्सपीरियंस, अर्थात शिक्षा के द्वारा या प्रशिक्षण के द्वारा या अपने अनुभवों से हम क्या करते हैं, अर्जन करते हैं, और उस अर्जन में इस फ्लूइड इंटेलिजेंस या तरल बुद्धि का योगदान होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों इस तरह से स्पष्ट है कि ठोस बुद्धि में उन क्षमताओं, उन योग्यताओं या उन एबिलिटीज को रखा जाता है जिन्हें व्यक्ति या बालक अपनी तरल बुद्धि या फ्लूइड इंटेलिजेंस का उपयोग करके अर्जित करता है। प्रिय विद्यार्थियों चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है द फिफ्थ वन इज, पांचवा है कि तरल बुद्धि की सीमा का निर्धारण वंशानुगत कारकों के द्वारा होता है। ध्यान दीजिए, इसके पूर्व में भी हम लोगों ने अध्ययन किया कि जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है इसका डिटरमिनेशन किससे होता है, जेनेटिक फैक्टर से होता है। तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि तरल बुद्धि की जो लिमिटेशन है, जो सीमा है, इस सीमा का निर्धारण वंशानुगत कारकों या जेनेटिक फैक्टर्स के द्वारा होता है। तो तरल बुद्धि का निर्धारण या तरल बुद्धि का जो लिमिटेशन है वो लिमिटेशन किससे निर्धारित होता है, जेनेटिक फैक्टर या वंशानुगत कारकों के द्वारा। जबकि प्रिय विद्यार्थियों ठोस बुद्धि की बात की जाए तो ठोस बुद्धि या क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस की सीमा का निर्धारण तरल बुद्धि तथा वातावरणीय उद्बोधन के द्वारा होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो ठोस बुद्धि है, ठोस बुद्धि की सीमा का निर्धारण एक तो तरल बुद्धि और उसी के साथ साथ प्रिय विद्यार्थियों जो वातावरणीय उद्बोधन है इन दोनों के द्वारा होता है। तो प्यारे भाई बहनों प्रिय विद्यार्थियों इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस है, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस में तरल बुद्धि और वातावरणीय उद्बोधन दोनों का योगदान होता है। तो जो तरल बुद्धि और वातावरणीय उद्बोधन या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दोनों मिलकर के ठोस बुद्धि का विकास करते हैं, और इसीलिए जो ठोस बुद्धि की सीमा का निर्धारण की बात की जा रही है तो ठोस बुद्धि की सीमा का निर्धारण जो फ्लूइड इंटेलिजेंस या तरल बुद्धि है और वातावरणीय उद्बोधन या इन्वायरमेंटल जो फैक्टर है, जो एटमॉस्फेयर है, उसके द्वारा निर्धारित होता है। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस तरह से पांचवा पॉइंट हम लोगों ने स्पष्ट किया फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस के बारे में। चल दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज, तरल बुद्धि एक प्रकार से स्थिर रहती है। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, तरल बुद्धि के बारे में कहा जा रहा है कि तरल बुद्धि एक प्रकार से स्थिर रहती है। स्थिर क्यों रहती है प्रिय विद्यार्थियों,
क्योंकि जो तरल बुद्धि है, तरल बुद्धि का निर्धारण किससे हो रहा है? जेनेटिक फैक्टर से होता है। इसीलिए क्या है, ये स्थिर रहती है, क्योंकि जो हेरिडिटी के द्वारा, जेनेटिक फैक्टर के द्वारा, वंशानुक्रम के द्वारा हमको प्राप्त होता है, वो बुद्धि जो है स्थिर रहती है। जबकि प्रिय विद्यार्थियों, इसके जस्ट अपोजिट यदि ठोस बुद्धि की बात की जाए, तो ठोस बुद्धि में जैसा कि हम लोगों ने पहले ये देखा कि यह जो है एजुकेशन, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस से प्रभावित होती है, इसीलिए ठोस बुद्धि का विकास एडल्टहुड में या वयस्कावस्था में भी होता रहता है। अर्थात प्रिय विद्यार्थियों, जैसे जैसे व्यक्ति को शिक्षा प्रदान होती है, व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता है, व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त करता है, व्यक्ति का अपना अनुभव में वृद्धि होती जाती है, उसी तरह से ठोस वृद्धि का विकास भी होता रहता है। तो इस तरह से ठोस बुद्धि का विकास जो है एडल्टहुड में भी होता रहता है। अर्थात जैसे जैसे व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करेगा, प्रशिक्षण प्राप्त करेगा या उसके अनुभव में वृद्धि होगी, वैसे वैसे उसकी जो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस है या ठोस बुद्धि है उसमें विकास होता रहेगा। जबकि प्रिय विद्यार्थियों, जो तरल बुद्धि है वह स्थिर रहती है, क्योंकि यह क्या है, हेरिडिटी फैक्टर या जेनेटिक फैक्टर के द्वारा निर्धारित होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम सभी लोगों ने कंपेरेटिव रूप से, तुलनात्मक रूप से जो फ्लूड इंटेलिजेंस और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस की विशेषताएं हैं उसके बारे में हम सभी लोगों ने चर्चा किया, और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि आप सभी लोगों को पूरे पॉइंट्स, पूरे बिंदु पूरी अच्छी तरह से स्पष्ट हो गए होंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम सभी लोग जो बुद्धि का स्वरूप है या नेचर ऑफ इंटेलेक्ट है, इस थ्योरी के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार उसको स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे, उसको एक चित्र के द्वारा हम लोग स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। और प्यारे भाई बहनों, यदि एग्जाम में यह प्रश्न आता है या इस सिद्धांत के बारे में आप वर्णन करते हैं, तो जब आप चित्र बनाइएगा तो आपका आंसर बहुत ही इफेक्टिव हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम सभी लोग एक फिगर बनाते हैं, एक चित्र बनाते हैं, नेचर ऑफ इंटेलेक्ट According to fluid crystallized intelligence theory। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले एक तरल बुद्धि है या फ्लूड इंटेलिजेंस है, जिसको हम लोग जीएफ भी कह सकते हैं, जनरल फैक्टर भी कह सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि स्पीयरमैन का जो जी फैक्टर था उसके समान था। तो तरल बुद्धि या फ्लूड इंटेलिजेंस, और जो फ्लूड इंटेलिजेंस होता है वो किससे प्रभावित होता है? फ्लूड इंटेलिजेंस इज अफेक्टेड बाई वंशानुगत कारक या जेनेटिक फैक्टर्स के द्वारा प्रभावित होता है, या जेनेटिक फैक्टर्स के द्वारा इसका निर्धारण होता है। तो पहले हो गया तरल बुद्धि या फ्लूड इंटेलिजेंस या जीएफ, जो कि वंशानुगत कारकों के द्वारा निर्धारित होता है। प्रिय विद्यार्थियों, अब जो तरल बुद्धि है, जब तरल बुद्धि में हम क्या देते हैं, शिक्षा हमें मिलती है, प्रशिक्षण मिलता है, हमारा जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उसमें बढ़ोतरी है, तो कहने का अभिप्राय यह है कि जो इन्वायरमेंटल एक्सपोजिशन होते हैं, जो पर्यावरण अद्बोधन होते हैं, या जो हमारा पर्यावरण होता है, जो एटमोस्फियर होता है, जो इन्वायरमेंट होता है, उसका प्रभाव जब तरल बुद्धि पर पड़ता है, तब जो है ठोस बुद्धि का विकास होता है। तो उसको इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं कि तरल बुद्धि और उसके ऊपर जो है पर्यावरणीय उद्बोधन या इन्वायरमेंटल एक्सपोजिशन। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब तरल बुद्धि के ऊपर पर्यावरणीय उद्बोधन या इन्वायरमेंटल एक्सपोजिशन का प्रभाव पड़ता है, और इन्वायरमेंटल एक्सपोजन या पर्यावरणीय उद्बोधन से हमारा क्या अभिप्राय है, उससे हमारा अभिप्राय है एजुकेशन के द्वारा, ट्रेनिंग के द्वारा और अनुभव के द्वारा, अर्थात एजुकेशन, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के द्वारा तरल बुद्धि में जब विकास किया जाता है या तरल बुद्धि में जब डेवलपमेंट होता है, तो उसके द्वारा जो बुद्धि उभरती है, जिस बुद्धि का विकास होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस है, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस या ठोस बुद्धि का विकास कैसे हो रहा है, तरल बुद्धि प्लस पर्यावरणीय उद्बोधन इज इक्वल टू ठोस बुद्धि या क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस या ठोस बुद्धि का निर्धारण जो है तरल बुद्धि और पर्यावरणीय उद्बोधन के द्वारा होता है, और यहाँ पर इसको हम सभी लोग एक चित्र के द्वारा इसको स्पष्ट रूप से दिखा सकते हैं, और जब ये चित्र आप बनाइएगा एग्जाम में, तो आपका एक्सप्लेनेशन और भी इफेक्टिव हो जाएगा, इस सिद्धांत में जो आपका आंसर होगा और भी इफेक्टिव हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यह जो सिद्धांत था प्रिय विद्यार्थियों, यह सिद्धांत जो कैटल जी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, यह लगभग विस्मृत हो गया था, परंतु उनके एक शिष्य हुए जिनका नाम था हॉर्न साहब। तो जॉन एल हॉर्न साहब ने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया। कैटल साहब के जो शिष्य रहे जॉन एल हॉर्न, उन्होंने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया। तो उन्होंने क्या किया कि कैटल के द्वारा प्रस्तुत की बुद्धि की यह अवधारणा लगभग विस्मृत हो गई थी, जिसे 1966 में उनके
मिस जॉन एल हॉर्न, ध्यान दीजिए, जॉन एल हॉर्न ने 9-10 प्रकार की संज्ञानात्मक कारकों को प्रस्तुत करते हुए जीएफ और जीसी कारकों की जोरदार ढंग से वकालत की। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से उन्होंने क्या किया, जीएफ और जीसी अर्थात जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस है, इसकी जोरदार से वकालत किसने की, कैटर साहब को जो शिष्य थे जॉन एल हॉर्न ने। तो जॉन एल हॉर्न ने प्रिय विद्यार्थियों 9-10 प्रकार के कॉग्निटिव फैक्टर्स या संज्ञानात्मक कारकों को प्रस्तुत करते हुए जो फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस की बात की जाती है, फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस जो फैक्टर है उसकी उन्होंने जोरदार ढंग से वकालत की और इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया, और इसीलिए इस सिद्धांत का नाम कैटल हॉर्न सिद्धांत भी कहा जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से इस सिद्धांत को हम सब लोग क्या कर सकते हैं, कैटल हॉर्न सिद्धांत कह सकते हैं। और हॉर्न कौन थे, कैटल साहब के शिष्य थे जिन्होंने की फ्लूइड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस थ्योरी को आगे बढ़ाया, उसमें विकास किया। प्रिय विद्यार्थियों, कैटल के द्वारा प्रस्तुत तरल ठोस बुद्ध सिद्धांत या जिसको हम लोग जी एफ जी सी थ्योरी की कह सकते हैं, इसकी आलोचना भी अनेक मनोवैज्ञानिकों के द्वारा की गई है। अर्थात ये जो सिद्धांत रहा कैटल जी के द्वारा, कैटल जी का फ्लूइड इंटेलिजेंस क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, इसकी क्रिटिसिज्म या इसकी आलोचना भी की गई है। वस्तुतः इस संबंध में ऐसा कोई स्पष्ट शोध प्रमाण उपलब्ध नहीं है जो तरल बुद्धि तथा ठोस बुद्धि के अलग अलग अस्तित्व था उसके बीच के अंतर को सिद्ध कर सके। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि कैटल साहब ने कहा कि एक होता है तरल बुद्धि और दूसरा होता है ठोस बुद्धि, तो इस प्रकार का कोई रिसर्च एविडेंस नहीं है, कोई शोध प्रमाण नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस दोनों का अस्तित्व अलग अलग होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो इस दोनों फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस दो प्रकार के जो बुद्ध के बारे में कैटल जी ने वर्णन किया, इसके अस्तित्व के बारे में चूंकि कोई रिसर्च एविडेंस नहीं मिलता है, इसीलिए इस सिद्धांत की आलोचना की जाती है। और इसके आलोचना में यह कहा जाता है कि इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है, कोई रिसर्च एविडेंस नहीं, कोई शोध प्रमाण नहीं है जिससे यह स्पष्ट हो कि तरल बुद्ध तथा ठोस बुद्ध का अलग अस्तित्व, इसका अस्तित्व अलग अलग है और इसके बीच के अंतर को सिद्ध किया जा सके। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस तरह से हम सभी लोगों ने आज की क्लास में इंटेलिजेंस थ्योरीज के अंतर्गत एक इंपॉर्टेंट थ्योरी जिसका नाम है तरल ठोस बुद्ध सिद्धांत या फ्लूइड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, इसके बारे में चर्चा किया। तो फ्लूइड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस थ्योरी का प्रतिपादन आरबी कैटल साहब ने किया था। उन्होंने जो स्पीयरमैन का जनरल फैक्टर या जनरल इंटेलिजेंस था, जी फैक्टर या सामान्य बुद्धि था, उसमें परिमार्जन करते हुए दो प्रकार के कॉग्निटिव एबिलिटीज को बताया, पहला फ्लूइड इंटेलिजेंस और दूसरा क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस के बारे में बताया। और उसके उपरांत प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी लोगों ने फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस के बारे में कंपैरेटिव रूप से तुलनात्मक ढंग से इसके बारे में अध्ययन किया। और इसका अध्ययन करने के उपरांत प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी लोगों ने फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस पर आधारित जो बुद्धि का स्वरूप हो सकता है, नेचर ऑफ इंटेलेक्ट हो सकता है, उससे रिलेटेड एक चित्र भी बनाने का प्रयास किया। और चित्र के द्वारा हम लोगों ने इस सिद्धांत को स्पष्ट करने का प्रयास किया। और अंत में हम लोगों ने इस सिद्धांत में देखा कि ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को कैटल साहब के जो शिष्य थे जॉन एल हॉर्न, उन्होंने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया, इसीलिए इस सिद्धांत को कैटल हॉर्न सिद्धांत भी कहा जाता है। और अंत में हम सभी लोगों ने इस सिद्धांत की जो क्रिटिसिज्म है, जो आलोचना है, उसके बारे में भी चर्चा किया कि कोई स्पष्ट रिसर्च एविडेंस या शोध प्रमाण उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि तरल बुद्ध तथा ठोस बुद्ध का अस्तित्व अलग अलग होता है और इसके बीच में जो अंतर है उसको सिद्ध किया जा सके। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट्स करिए। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई महत्वपूर्ण प्रश्न है या कोई समस्या है या कोई आपका वैल्यूएबल सजेशन है तो उसको आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो भी आपके वैल्यूएबल सजेशंस आएंगे उन सुझावों का अनुपालन करने का भी प्रयास करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, तो इसलिए आप इस वीडियो पे कमेंट भी करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने सहपाठियों के साथ, मित्रों के साथ, शुभ चिंतकों के साथ, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सके और उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। और साथ ही प्रिय विद्यार्थियों, ये प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, यदि अभी तक आपने
इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड जितने भी वीडियोस पड़े हुए हैं चैनल पर उसको आप प्ले लिस्ट में जाकर के आसानी से अपने आवश्यकता के अनुसार, अपने रुचि के अनुसार वीडियो को सिलेक्ट करके देख पाइए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्रिय विद्यार्थियों, जहाँ सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, घंटी का आकार यदि लाल है रेड है तो उसको प्रेस करिए। उसको प्रेस करने पर कुछ विकल्प आएंगे, उन विकल्पों में से आप आल के ऑप्शन को सिलेक्ट करिए। इससे यह होगा कि जितने भी नए वीडियोज़ आएंगे, जितने भी नए आपके कोर्स से रिलेटेड वीडियोस बनेंगे, वीडियो अपलोड होंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी, उसके नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा, जिससे आपके अध्ययन कार्य में किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना आने पाए। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर ऑन द वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।